12th class first chapter composite function. कंपोजिट फंक्शन हिंदी में संयुक्त फलन. सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन. संयुक्त फलन के लिए एटलीस्ट अपने पास दो फंक्शन होने चाहिए. एक एफ एक्स ले रहा हूं, एक जी एक्स. हो सकता है दोनों फंक्शन एफ एक्स ही हो सकता है दोनों जी एक्स ही हो, और दो से ज्यादा भी हो सकती है. तो दोनों के कंपोजिट फंक्शन को अपन एक तो ऑपरेशन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट है एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स, थर्ड जी ओ जी ऑफ एक्स, और लास्ट है फोर्थ एफ ओ एफ. ऐसे और भी हो सकते हैं बट अपन ये चार फंक्शन ही देखेंगे. एफ ओ जी मीन्स एक फंक्शन अपने एफ है एक जी है, ऑपरेशन अगर ओ है तो एफ ओ जी और एक जी ओ एफ, ये दो चीज देते हैं अपन. एफ ओ जी लेंगे तो स्टार्टिंग जी से होगी और खत्म होगा एफ पर, मतलब यहां से चलेंगे और एफ में खत्म होगा. जी ओ एफ ले रहे बाद वाले फंक्शन से स्टार्टिंग होती है, एफ से स्टार्टिंग होगी एंड जी पर होगा. एफ ओ जी का फॉर्मूला है एफ ओ जी एक्स, उनकी जगह पर ब्रैकेट आ जाएगा बाद वाले फंक्शन के साथ एक्स आएगा. जी ओ एफ जी ओ एफ एक्स जी ओ जी एक्स एफ ओ एफ एक्स, ये तो अपने कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन, इसके फॉर्म में लेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन. एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स. क्वेश्चन में वैल्यू ये लिख दिया एफ ओ जी फाइंड करें, एफ ओ जी ओ एक्स. इसका मतलब फॉर्मूला है और की जगह पर ब्रैकेट आएगा बाद वाले फंक्शन के साथ एक्स आएगा. एफ ओ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू अपने पास है वन अपॉन वन माइनस एक्स. एफ एक्स यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू आ रही है वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो इस फंक्शन में x की जगह पर वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स. एलसीएम है वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन अपॉन वन माइनस एक्स, इससे कैंसिल. वन माइनस वन प्लस एक्स, वन से वन कैंसिल, एक्स आंसर. इसका मतलब एफ ओ जी की वैल्यू हो गई अपने पास एक्स. ये भाई जो जीओ एफ फाइन करना है फॉर्मूला होगा जीओ एफ एक्स. एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, जी एक्स एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स पुट अप करना है तो वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. एलसीएम ले लो एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स आंसर. इस टाइप से अपन जी ओ जी एफ ओ सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी है तो स्टार्टिंग जी से बाद वाले फंक्शन से स्टार्ट होते हैं और एंड पहले वाले फंक्शन पे. ओनली फॉर इसी फॉर्म पेपर बेस्ट क्वेश्चन है. आप देखिए अपने 1.1 एक्सरसाइज, 1.1 एक्सरसाइज में एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों वैल्यू फाइन करनी है और मैपिंग डिफाइन है. फर्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग है एफ सच दैट आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में चल रहे हो, जी की मैपिंग भी आर टू आर है. क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. एफ ओ जी फाइंड करना है तो एफ ओ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. एफ एक्स एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू कर दो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री टू एक्स स्क्वायर टेन प्लस थ्री तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी. बाद जी ओ एफ फाइन करना, इसी में एक चीज पूछ रहा जी ओ एफ फाइन करना. जी ओ एफ जी ओ एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स प्लस थ्री. जी एक्स, जी एक्स में एक्स की जगह पर टू एक्स प्लस फाइव होगा, टू एक्स प्लस थ्री सॉरी,
2x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर प्लस 5 14 करना होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, सेकेंड तो सिंपल है, थर्ड पार्ट देख लो, मॉडुलस एक्स दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे इसमें भी कुछ भी नहीं है। एफ ओ जी फाइंड करना है, एफ ओ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू मॉड एक्स, तो एफ एक्स में एक्स की जगह पर मॉड एक्स रखेंगे तो मॉड एक्स। ये भाई जो जीओ एफ फाइंड करना है, जीओ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है और जी एक्स की वैल्यू मॉड एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सेट दे रखा है एबीसी, ए सेट एबीसी, बी सेट दे रखा है यूवीडब्ल्यू, मैपिंग गिवन है एफ सच दैट ए टू बी, जी सच दैट बी टू ए। ए टू बी मीन सेट ए से सेट बी में जा रहे हैं और जी की मैपिंग दे रही है बी टू ए, मतलब सेट बी से सेट ए में जा रहे हैं। एफ दे रखा ए वी, एफ इक्वल टू ए वी बी यू सी डब्ल्यू, और जी दे रखा है यू बी वी ए डब्ल्यू सी। यहां तक पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रखा है एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड करना है। एफ ओ जी मैंने आपको कहा था अभी बाद वाले फंक्शन से स्टार्टिंग करते, बाद वाले फंक्शन में जी दे रखा है, जी फंक्शन ये दे रखा है जिन्हें फर्स्ट एलिमेंट यू, एक बार यू लेंगे, एक बार बी लेंगे, एक बार डब्ल्यू लेंगे, सबसे फर्स्ट में यू ले रहा हूं। तो एफ ऑफ जी यू, जी में यू का रिलेशन, जी में यू का रिलेशन बी से है, तो एफ बी, एफ में बी का रिलेशन, एफ ये है इसमें बी का रिलेशन देखेंगे तो वापस यू आ रहा है, इसका मतलब यू लिया तो आंसर भी यू आया। एफ ओ जी सेकेंड एलिमेंट यू के बाद में वी ले रहे हैं, इसको अपन लिखेंगे एफ ओ जी वी, जी में वी का रिलेशन, जी ये है फंक्शन, इसमें वी का रिलेशन ए से है, तो एफ ए, एफ में ए का रिलेशन, एफ मैपिंग ये गिवन है, ए का रिलेशन वी से दे सकता है, इसका मतलब वी लिया तो आंसर भी है। एफ ओ जी थर्ड एलिमेंट डब्ल्यू, एफ ओ जी डब्ल्यू, जी में डब्ल्यू का रिलेशन दे रखा है सी से, एफ सी, और एफ में सी का रिलेशन डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू लिया तो वापस डब्ल्यू है। अब एक अपने को जी ओ एफ और फाइंड करना है, जी ओ एफ स्टार्टिंग एफ से होगी, एफ का फर्स्ट एलिमेंट ए ले रहे हैं, जी ओ एफ ए, एफ में ए का रिलेशन किससे है बी से, और जी में बी का रिलेशन ए से, तो ए लिया तो किया, ये तो अपने एफ ओ जी तो ये हो गया, यू यू बी वी डब्ल्यू डब्ल्यू, जी ओ एफ सेकेंड एलिमेंट बी, जी ओ एफ बी, एफ में बी का रिलेशन है यू से, जी में यू का रिलेशन अपने को दे रखा बी से, तो बी लिया तो वापस बी आया। और लास्ट है सी, जी ओ एफ सी, एफ में सी का रिलेशन है डब्ल्यू से और जी में डब्ल्यू का रिलेशन सी से, तो सी लिया तो सी, G
UIF हो गया AA BB CC।